जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक, फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स में आज हम पहुंच चुके हैं लीवर यानी जो डिजीज है उसमें, हम एल्कोहलिक लीवर डिजीज में पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। यदि आप पहले उन्हें नहीं देखें तो सबसे पहले उन्हें वीडियो देखिए। यदि आप सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एल्कोहलिक लीवर डिजीज, ये भी प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, और देखिए आप फार्माकोथेरेपेटिक्स यदि पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें एटलीस्ट सब कुछ कॉमन है। केवल दो चार चीज़ें क्या होती हैं सब में डिफरेंस होती हैं, नहीं तो सब में। देखिए सबसे पहले एल्कोहलिक लीवर डिजीज की आप डिफिनेशन लिख देंगे, क्या डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इटियोलॉजी, कहीं पर इटियोजेनेसिस भी लिखा रहता है, इटियोपैथोजेनेसिस भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इटियोलॉजी आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस। ठीक, वो कैसे कितने स्टेप स्टेप में होता है उसके जरिए यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा। लास्ट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को आपको बढ़िया से एकदम बताना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या क्या इसमें देखेंगे, हम आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, ये सारी चीज़ें अब देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में। ये आपका प्यारा सा टॉपिक है एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन समझते हैं, उसके पहले हम वर्ड को समझ लेते हैं। एल्कोहलिक मतलब जो आप एथिल एल्कोहल पीते हैं, यानी C2H5OH रहता, जिसका नाम क्या होता है, आप एक्चुअल में देखे जाएंगे तो एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल होता है। अब ये हर एक जो आप दारू पीते हैं, चाहे रम पिएते हैं, चाहे बियर, चाहे बिस्की, चाहे आप लैला पीते हैं, उसमें परसेंटेज क्या कर देता है, वेरी करता। तो ये चीज़ क्या होती है, यदि ज़्यादा आप एल्कोहल कंजप्शन करते तो सबसे पहले लीवर में जो इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है या कोई डिजीज होती है, उसी को हम एल्कोहलिक लीवर डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक लीवर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट में तुमसे दे रखा है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन लीवर रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, आप यदि क्या कर देते हैं, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अमाउंट में आप एल्कोहल लेते हैं, प्रॉपर लेते हैं। जैसे आप गांव में देखे होंगे, ठीक, जो छोटे कस्बे के लोग हैं, ठीक है, उनमें देखेंगे दारू इतना पी लेते हैं, इतना दारू पी लेते हैं रात में। ठीक है, अब लाकर रोड पे जाते हैं तो गाली देते हुए जाते हैं। ठीक, मतलब ओवर कंजप्शन यदि लंबे समय तक कर रहे हैं तो हमारा लीवर क्या हो जाएगा, उसमें डैमेज हो जाएगा। ठीक है, वो भी डैमेज क्या होता है, जो लीवर की सबसे छोटी सेल होती है, यानी स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल, यानी क्या होता है, वो सब चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जो काम कर रहा है वो भी क्या करेगा, अपने फंक्शन को ये लीवर चेंज कर लेगा। ठीक है, यदि कोई एल्कोहल यानी ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है तो। ठीक, नेक्स्ट में लिखे हैं, दे सीवियरिटी इन यानी प्रोपोर्शन रेट ऑफ लीवर इंजरी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एल्कोहल कंज्यूम। देखिए अब डिपेंड करता कितना अमाउंट में आप एल्कोहल ले रहे हैं। देखिए जितने पर्सन होते हैं, जो भी हम भी खाना खाते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, एथिल एल्कोहल बनता है, मगर लेस अमाउंट में बनता है, उतना हमारे लिए नुकसानदायक, नुकसान नहीं नुकसानदायक ही नहीं होता। ठीक है, जैसे आप कोई खाते हैं, जो आप क्या खाएं, जैसे मैंने भोजन खाए तो उससे एथिल एल्कोहल निकलता है, जिससे आपको भोजन खाने के बाद नींद लगती है। ठीक, अब वो तो नॉर्मल अपना अमाउंट, उसमें तो हम एल्कोहल तो नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जब बाहर से आप क्या कर देते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं एल्कोहल, यदि ज़्यादा अमाउंट में कंजम्प्शन कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो क्या करेगा, आपकी जो लीवर की सेल रहेगी वो क्या करेगी, डैमेज करेगी। यानी ड्यूरेशन ऑफ द एक्सेसिव ड्रिंकिंग, मतलब यदि आधा ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं तो, अभी हम अपने जा ठीक है, अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में देखे हैं, एक दो बाटल नहीं, आठ आठ नौ नौ बाटल, वो जो लैला का नहीं होता है, ठीक है, लैला वाला ऐसे होता है ना, आय लैला का, उसे आठ आठ नौ नौ बाटल टू बी कंटिन्यू पी जाते हैं। मतलब दो तीन घंटा का मोहलत दे दिया जाए तो दो दो तीन तीन घंटा में मार देंगे, 9 से 10 बोतल पी देंगे, ख़त्म। ठीक, अब तुम सोचो इतना एल्कोहल पी जाएंगे अकेले, ठीक है, तो ये बताओ क्या होता है, एल्कोहल देखा जाए तो बड़ी बड़ी की जिंदगी बर्बाद करके रखा। अपने अगल बगल भी देखिएगा, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमी हैं, ठीक है, यदि एल्कोहल की लत लग गई है तो आप पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई है। ठीक, तो ये था, इसी से आपके रिक्वेस्ट है, देखिए एल्कोहल यदि पीते हैं तो, देखिए बहुत सारे ऐसे आदमी पीते हैं तो हफ्ते में एक आध दो बार कहीं शाम को हो गया, नहीं तो नहीं पीना चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके जगह दूसरा भी खाना चाहिए। यदि पीने का मन करता तो कभी पार्टी वोटी में एक आध महीना 6 साल भर पे एक आध बार पी लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन के बारे में। हम आते हैं किसी एटियोलॉजी में, कारण क्या है, कारण क्यों हमारे पास एल्कोहल की डिजीज यानी लीवर खराब होता है। सबसे
सबसे पहले ओवर कंजेशन ऑफ एल्कोहल, यदि कोई पर्सन ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल ले रहा है, ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल ले रहा है, तब उसे क्या होगा, एल्कोहलिक लीवर डिजीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द डिजीज अकर्स मोर कॉमनली इन द सम फैमिली, ओमेन आर कंप्लीटली मोर इफेक्टिव देन मोर। देखो क्या दिया, अब अपने यहाँ तो ओमेन को, अपने इंडिया में देखा जाए तो ओमेन रेयर कोई पीती होंगी साथ दारू, नहीं तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा मेल पीते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि फीमेल भी नहीं पीती, अदर कंट्री में जाएंगे ना, अदर कंट्री में जाएंगे, जैसे आप यहाँ चले जाइए, ठीक है, जैसे कतर उतर, कतर नहीं, ठीक है, ये कहाँ होते हैं जी, अरे हम गए थे वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर ओमेन भी क्या कर देती दारू, जैसे मूवी में नहीं होती है वैसी लड़कियाँ भी अदर कंट्री में क्या होती दारू पीता। अपनी इंडिया का कल्चर अभी बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, जैसे दूसरी कंट्री के लोग वैसे कर रहे हैं उसी तरह से हम भी कर रहे हैं, ठीक है, मगर अपने यहाँ देखा जाए तो जो यानी फीमेल औरत है वो क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में क्या कर देती हैं, यानी लेती हैं क्या आपका एल्कोहल, कभी कभार रेयर, नहीं तो कहीं बहुत देखने को मिलेगा, नहीं तो देखने के ही नहीं मिलता है कि वोमेन लेती, सबसे ज़्यादा कौन लेता है, यानी मेल पर्सन लेता है। ठीक है, ये कारण, मतलब ये वाली लाइन आप जरूर लिखिएगा, उसके बाद आप जो भी लिखिए कोई टेंशन नहीं है। अब पैथोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले पैथोजेनेसिस में एक्चुअल में होता क्या, देखिए पैथोजेनेसिस में होता क्या है, सबसे पहले एथेनॉल, मतलब जो आप फार्मूला बताएं C2H5OH, ये ले लिए, ठीक है, उसके बाद एक हार्मोन हमारे अंदर होता क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो ADH, किससे निकलता है, ठीक है, पहले ADH का फुल फॉर्म आपको दिखा देते हैं, यहाँ बगल में सबका पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं सब, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ठीक है, ADH मतलब क्या होता है, ए से क्या होता है, एंटी, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या होता है, डेंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसे सब लिखते चलिए, क्योंकि एक नंबर में आपसे फुल नेम पूछ सकता है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। अब पूछा है NAD, यन से क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड, निकोटीना, ठीक है, निकोटीनामाइड, और ए से क्या हो जाएगा, एडनीन, ठीक है, एडनीन, और डी से क्या हो जाएगा आपका, डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है, देखो क्या, देखो निकोटीनामाइड एडनीन डाई न्यूक्लियोटाइड होता, अब ये जो होता है NADH, सेम टू सेम ये लिखिएगा, ठीक, सेम टू सेम आप लिखिएगा, लास्ट में क्या आप जोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, इसका और इसका फुल नेम, इसमें जो ये लगा लास्ट में आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। अब क्या लिखा है, ALDH, ALD का मतलब क्या होता है, इसका ज्यादा फुल नेम नहीं है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, डीहाइड्रोजिनेज होता, क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेज होता, क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेज होता, जो आपके सामने प्यारा सा ये होगा। पहले आप फुल नेम यदि समझ लेंगे तो आप समझेंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी में यदि एथिल अल्कोहल इंटर किया तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करेगा, किडनी को जल्दी से जल्दी क्या करेगा, कहेगा भाई एल्कोहल आ गया, जल्दी तुम निकालो, फिल्टर करो इसे, ठीक है, फिर क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड आएगा, ठीक है, एसिटल, देखिए ये हमारे किडनी के अंदर चला गया, पहले सेल वगैरह के अंदर भी जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, फिर यहाँ पर ALDH काम करेगा, जो एल यानी क्या हो, एसिटाल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटेट में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम होता है, एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें ये वाला एंजाइम इसे क्या कर देता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब ये जब कन्वर्ट हो गया तो क्या निकालेगा, यानी वाटर निकालेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और ये सब जो प्रक्रिया होती है किसके अंतर्गत होती है, माइटोकांड्रिया के अंदर, के होती है, माइटोकांड्रिया के अंदर, ठीक है। अब ये होने के बाद जो ये वाला प्रोसेस तो इधर चला जाता है, मान लेते हैं ये नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, NADH को रिड्यूस कर देगा, किसमें, उसमें से हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन को हटा देगा, हाइड्रोजन को यहां पर क्या कर देगा, जोड़ देगा, तो यहां पर रिडक्शन डिवीजन होने लगा। रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जुड़ना होता तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं, मगर ये एक्चुअल में मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर कैसे होती, उसी को ये डिफाइन किया गया। अब देखिए प्रोसेस कैसे होता, सबसे पहले देखो क्या कर देते हैं हम, देखो इसे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले देखो कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, मतलब कोई पर्सन यानी एल्कोहल को कंजर्व कर लिया यानी पी लिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो होगा एसिटाल्डिहाइड हमारे शरीर के अंदर बनेगा टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा, लीवर सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। मतलब यदि कोई पर्सन एल्कोहल पी लिया तो उसके अंदर एसिटाल्डिहाइड बन गया,
देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ठीक है, इसमें एडीएच काम करेगा, एसिटाल्डिहाइड बना देगा। तो यही चीज़ एसिटाल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड एक तरह का टॉक्सिक समझिए, जो लीवर डैमेज है, लीवर सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा। फिर ये जब इंटर करेगा यानी एडी को रिड्यूस यानी रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, यानी एडीएच बनेगा, यानी एडी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एनएडीएच में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत सारी जो हमारे अंदर प्रोसेस चले हुए इनहिबिट हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे। इनहिबिट द ग्लाइको ठीक है ग्लाइकोनियोजेनेसिस और डिक्रीज द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, मतलब जो हमारे अंदर फैट का डाइजेशन हो रहा है उसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाएगा ठीक है लीवर सेल में, और इंक्रीज करेगा स्टोरेज ऑफ द एक्स्ट्रा फैट इन लीवर। अब बताइए जब हमारा जो फैटी एसिड हमारे लीवर के अंदर ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या कर रहा हो, तोड़ रहा था, उसे ही क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो ये जो फैटी यानी फैटी एसिड है, फैटी एसिड हमारे लीवर के अंदर फैट के रूप में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे घर के आप आपके अंदर है, अब झाड़ू जैसे देखो ये आपको क्या कर रहा है, झाड़ू है, झाड़ू क्या कर देता है, अपने घर को साफ करता है। अब बताइए झाड़ू ही नहीं लगाए तो वो क्या करेगा, ये फैटी एसिड क्या करते हैं लीवर में ही जमा हो जाएगा। जैसे लीवर में क्या होगा, एक्स्ट्रा फैट क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा। यदि एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट हो जाता है क्या हो जाएगा, आपका फैटी लीवर हो जाएगा। कभी कभी लीवर सिरोसिस भी हो जाता, यदि लंबे समय तक रहता हुआ तो ठीक तो आपको फैटी एसिड की संभावना भी हो सकती है। तो ये था इसके बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब लीवर का हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे पहचानेंगे इस पर्सन का लीवर ही खराब हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी भूख प्यास, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख प्यास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्या। अब देखिए जैसे प्यार में भूख प्यास कम हो जाती है ना, उसी तरह से अल्कोहल जो पीते हैं ठीक है, उन्हें भी भूख प्यास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यदि उनके लीवर सिरोसिस हो गया है तो। वही लिखा क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख में कमी हो जाएगी। जॉइंटिक्स बताओ, लीवर ही खराब हो गया तो आपको क्या होगा, जो भी आपका फैटी एसिड रहेगा, आपका जो बाइल वगैरह बनेगा आपके शरीर के अंदर डिपोजिट होगा, तो आपकी पूरी शरीर क्या हो जाएगी, पीली हो जाएगी। जिससे यानी जॉइंटिस को क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, इसका नाम सुने होंगे ठीक है। ये पीलिया रोग होता है जिससे क्या होता है, जॉइंटिस, अब लीवर ही अफेक्टेड हो गया, आपको काम खत्म ठीक। फीवर होगा यानी पेन ऑफ एब्डोमन, यानी जो ये एब्डोमन वाला रीजन है ना लीवर के साइड में, मतलब अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे ना तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा दर्द होगा ठीक है, थोड़ा सा दर्द, क्योंकि आपके राइट साइड में ही क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब क्या होगा, आपका जो हाइपर जो रहेगी बीपी का पेशेंट बन जाएंगे, क्योंकि फैटी एसिड आपके लीवर के अंदर डिपोजिट होगा, अब लीवर सही से नहीं काम कर पाएगा तो हमारा दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, लीवर ही है, तो यही अफेक्टेड रहेगी। फटीग एंड वीकनेस, मतलब आप थका थका कहेंगे, अरे दहिया वहियाँ मर दे पिरात बा, कोनो कुछ काम है नहीं करे मन करता ठीक है, वही चीज़ें क्या होगी यानी वीकनेस हो जाएगी। रेड कलर स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल ऑन स्किन, मतलब जो आपकी स्किन रहेगी ठीक है, ऐसे स्किन रहेगी ना तो ये देखिए क्या होगा, ये तुम्हारे पास क्या होगा, नॉर्मल दिख रहा है कि नहीं, ये क्या हो जाएगी रेड कलर के, ऐसे ऐसे पता चल जाएगा कि पूरा, अच्छा ये यानी पूरा देह सूख जाएगी, अब खाना नहीं खाएंगे, आपकी जो वडल ब्लड वेसल है वो दिखने लगेगी ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो ब्लड वेसल ऑन स्किन पे देखने के मिलती है, यानी पेल या क्ले यानी कलर स्टूल, मतलब आप जो टॉयलेट करेंगे ठीक है, जब आप लैट्रिन करेंगे उससे भी क्या हो जाएगा, यानी येलो कलर या क्ले कलर का, मिट्टी के कलर का क्या होगा, आपका टॉयलेट निकलेगा, स्टूल निकलेगा ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी, अब देखो आपका जो टॉयलेट यूरिन होता है उसमें भी क्या होगी, चेंजेज हो जाएगी ठीक है। तो ये आपका ऐसे ये सब सिम्टम देखने को मिले तो समझ जाली उन्हें क्या होगा, लीवर संबंधी डिजीज है ठीक है। तो उनसे पूछिए सर अल्कोहल आप ये नहीं पीते हैं, तो ये सारी जानकारी देखने के बावजूद क्या कर देते हैं अपने डॉक्टर लोग, अपना काम करते हैं ठीक है। अब देखिए यहां से आते हैं क्या होगा, देखो हम ला लेते हैं किस पे, नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवा को उन्हें कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे भैया आप दारू मत पीजिए, पहले दारू को बंद करेंगे, अवॉइड या स्टॉप, स्टॉप लिखिए, अवॉइड नहीं लिखिए, अवॉइड करना तो मतलब हमें क्या कर देना, उन्हें स्टॉप दारू के एकदम से स्टॉप कर देना ठीक है। मतलब स्टॉप देखो ये अवॉइड द एल्कोहल, एल्कोहल को एकदम से पूरी तरह से कंप्लीट रूप से क्या कर देना है, अवॉइड करने की कोशिश करना है ठीक है, अवॉइड ऑफ एल्कोहल। फिर क्या रखा, टेकिंग हेल्दी डाइट, मतलब उन्हें क्या कर देना है, हेल्दी डाइट लेना, और मोस्टली हो सके तो क्या होगा, जो भी चीज रहेगा किसके फॉर्म में रहे, जो ज्यादा से जल्दी से डाइजेशन हो जाए, और मोस्टली लिक्विड के फॉर्म में रहे, क्या रहे, लिक्विड के फॉर्म में, यानी जैसे आपका जूस हो गया ठीक है, जूस हो गया, अदर चीजें, जूस यदि पिएंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, आपको बढ़िया हेल्दी डाइट यदि लेंगे तो आप सही हो सकते हैं, मोस्टली जूस के फॉर्म में दे तो और अच्छी बात है ठीक। लो इंटेक ऑफ साल्ट, साल्ट को बोलने लेना, इंटेक खत्म कर दे, क्योंकि देखिए साल्ट में सोडियम होता, क्योंकि
सोडियम क्लोराइड आपका नमक होता, तो ये टूट जाता है तो सोडियम आयन प्लस में क्लोरीन है, तो ये सोडियम जो होता है ये हमारे लीवर में जाके इकट्ठा होता है, तो इससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनसे। यदि नमकीन वाली चीजें मतलब मोस्टली बंद कर दे, ऐसा नहीं नमक पूरा बंद कर दे, नहीं खाएं कोई टेंशन नहीं, मगर प्रॉपर अमाउंट में खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इनके बारे में था। अब यहां से कुछ दवा के बारे में, यदि नहीं मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बहुत सारी मेडिसिन आती है। जैसे क्या होगा, इन हेपेटाइटिस, मान लेते हैं आप लीवर ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, तो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स आर यूज, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लीवर में सूजन उसे कम करने के लिए हम ड्रग्स देंगे। जैसे क्या हो गया, पेडनिसलोन हो गया, पेंटोजी फ्लाइलिप यानी फ्लाइन लाइन हो गया, ये सब जो मेडिसिन है जिसमें हम क्या करते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है जो हमारे लीवर के सूजन को कम करते हैं। ऐसे बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। आप यदि लीवर सिरोसिस हो चुका उस आदमी को तो क्या करेंगे, डाययूरेटिक देंगे। क्या देंगे, बहुत सारी डाययूरेटिक आती हैं जो आप यहां से दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर आप क्या कर सकते हैं, आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें डाययूरेटिक का एग्जांपल वगैरह सारा दिया गया, ठीक है। बीटा ब्लॉकर देंगे, बहुत सारी एंटीबायोटिक वगैरह होती है, विटामिन के वगैरह देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी विटामिन और बहुत सारे एंटीबायोटिक, बहुत सारे डाययूरेटिक होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, डाययूरेटिक देंगे तो क्या करेगा, जो हमारा यूरिन है उसे जल्दी फिल्टर करेगा, जो लीवर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसे कोई अल्कोहल हमारे शरीर के अंदर है तो लीवर किडनी आपका जल्दी फिल्टर करेगा तो क्या करेगा, जल्दी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो आप सही से आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपके किसके बारे में, ठीक। हमने क्या क्या देख लिया, एक बार देखते हैं, प्यार से देखते हैं। लीवर यानी अल्कोहलिक लीवर डिजीज में डिफिनेशन देख लिया, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। यदि इसका नोट चाहिए तो लिंक में हम नंबर दे देंगे, वहां से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, हमसे आप इसका यानी किसी भी सब्जेक्ट का फार्माको यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।